नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के नए स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता को मुबारकबाद देते हुए इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओमकार सिंह ने कहा कि नए स्थानीय निकाय मंत्री से अम्बाला छावनी निवासियों विशेष तौर पर रेहड़ी फड़ी वालों को बहुत उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा और उनसे नियमों के अतिरिक्त की गई वसूली वापस होगी। इस अवसर पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सर्जन कमल गुप्ता को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि अम्बाला छावनी नगर परिषद की ओर से जहां नियमों का हवाला देकर निर्धारित वसूली से अधिक वसूली करके जनता से नाजायज लूट की गई, वहीं रेहड़ी फड़ी वालों से कहीं 300 रुपए तक एक दिन के सोम बाजार के नाम पर वसूले गए तो कहीं उन पर लाठी डंडे बरसाए गए और उनका सामान जब्त किया गया। एक ही सड़क को कई कई बार बनाया और तोड़ा गया जिससे जनधन की बर्बादी के साथ साथ भ्रष्टाचार तो पनपा ही, जनता को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। विभागीय तालमेल की कमी, गलत योजना और दोषपूर्ण निर्णय के कारण जनता के करोड़ों रुपए पर पानी तो फिरा ही, जनता को असुविधा भी हुई, जिसका स्पष्ट उदाहरण 50 लाख की लागत से बना डंपिंग स्टेशन, 30 लाख की लागत से बना साइकिल ट्रैक, 1 करोड़ का फुटबॉल चौक, 2,94,00,000 का प्रवेश द्वार और करोड़ों रुपए की लागत से बनी अनेक सड़कें हैं जो बार बार तोड़ी गईं और भिन्न भिन्न चौक चौराहों पर बर्बाद हुए करोड़ों रुपए जग जाहिर हैं। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज की मीटिंग इनेलो कार्यकर्ताओं की इसलिए बुलाई गई है कि मुख्यमंत्री महोदय ने श्री डॉक्टर कमल गुप्ता को स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है, पहली बार किसी सर्जन को स्थानीय निकाय विभाग का जिम्मेवारी दी गई है और अम्बाला वासियों को उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि अम्बाला में हजारों करोड़ रुपए खर्चने के बावजूद कोई भी सड़क साबुत नहीं है, हर एक योजना खटाई में पड़ी हुई है, आगे दौड़ पीछे चोर की बात हो रही है, एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसको पूरा कहा जा सके। आज अगर देखें हम, कोई सड़क साबुत नहीं है और जो स्ट्राम वाटर योजना इन्होंने बनाई है उसमें घरों के पास नाले बंद करके पाइप डाला जा रहा है, जबकि ये पाइप थड़ों से तकरीबन 2-3 फुट पीछे डालना चाहिए ताकि मकान को कोई डैमेज ना हो और अगर कोई पाइप लीक भी हो जाता कोई मकान का नुकसान ना हो। तो हम आपके इस आपके थ्रू कमल गुप्ता जी को बधाई भी देते हैं और आशा करते हैं कि अम्बाला छावनी पर विशेष ध्यान दे के अम्बाला छावनी वासियों की वो समस्या को दूर जरूर करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।